वेलकम बैक स्टूडेंट्स विद आवर न्यू चैप्टर फ्रॉम क्लास नाइन्थ इंग्लिश मोमेंट्स। ठीक है, तो आज जो हम अभी चैप्टर डील करने जा रहे हैं बच्चों, वो हम लोग पढ़ेंगे क्लास नाइन्थ का जो इंग्लिश का बुक है मोमेंट्स, इसको हम लोग आज डील करेंगे हिंदी एक्सप्लेनेशन में। ठीक है, जो चैप्टर है वो है बच्चों ईश्वरन द स्टोरी टेलर, मतलब एक ऐसे व्यक्ति की बारे में ये कहानी है जो हमेशा कहानी कहता रहता है ना, जिनका नाम है ईश्वरन। ठीक है, यहां देख रहे हैं लिख रहा है कि वन नाइट महेंद्र, यानी कि एक आदमी जो है वो ईश्वरन है और दूसरा जो व्यक्ति है वो महेंद्र है। ठीक है, वन नाइट महेंद्र वोक अप फ्रॉम हिज स्लीप, एक रात की बात है कि महेंद्र अपनी नींद से जाग उठता है, एंड सॉ और उसने देखा अ डार्क क्लाउडी फॉर्म। ठीक है, उसने क्या देखा, एक काली धुंधली आकृति देखी। ठीक है, उसने क्या देखा, एक काली धुंधली आकृति देखी। ही ब्रोक आउट इन टू अ कोल्ड स्वेट, और उससे वो डर से है ना पसीने पसीने हो गया। ठीक है, वॉज इट अ घोस्ट, क्या वो एक भूत था या भूतनी थी, है ना। तो इस चैप्टर में आगे हम लोग जानेंगे, यानी कि हम लोग को देखिए ये जो कहानी चलेगी वो दो लोगों के बीच में चल रही है, एक ईश्वरन के बारे में और एक महेंद्र के बीच में, ईश्वरन और महेंद्र के बीच में। ठीक है बच्चों, चलो देखिए, द स्टोरी वॉज नरेटेड टू गणेश बाई अ यंग मैन। ठीक है, ये जो कहानी है ना, ये जो कहानी है वो किसको सुनाई गई, गणेश को सुनाई गई है। ठीक है, बाई अ यंग मैन महेंद्र बाई नेम, तो ये जो कहानी है वो किसको सुनाई गई है, गणेश को सुनाई गई है। ठीक है, और किसके द्वारा सुनाई गई है, महेंद्र के द्वारा। ठीक है, अब महेंद्र को किसने सुनाया है, क्या हुआ है वो आगे देखेंगे। ही वॉज अ जूनियर सुपरवाइजर इन अ फर्म विच ऑफर्ड ऑन हायर सुपरवाइजर एट वेरियस टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन साइट्स। ठीक है, तो ये जो व्यक्ति है महेंद्र जो है, एक कंपनी में एक निरीक्षक का काम करते हैं। ठीक है, जो कि जो अलग अलग प्रकार के जो निर्माण स्थल है ना, जैसे कि मानकर चलो कि फैक्ट्रीज हो गए, ब्रिज हो गए, ठीक है, डैम्स हो गए और इसी तरह से एंड सो ऑन। ठीक है, वहां पर उन चीजों को क्या करना है, इनको सुपरवाइज करना है। ठीक है, तो सुपरवाइज करने वाले को सुपरवाइजर कहते हैं। ठीक है ना, चलो आगे देखते हैं। महेंद्र जॉब वॉज टू कीप एन आई ऑन द एक्टिविटीज एट द वर्क साइट, यानी कि इसका काम यह है कि जो कार्यस्थल पर जो काम लोग कर रहे हैं, क्या काम चल रहा है, कैसा चल रहा है ना, उस पर ये नजर बनाए रखने का इनका काम है। ही हैड टू कीप मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, और इनको हमेशा क्या होता है कि एक जगह से दूसरी जगह बड़ा आना जाना पड़ता है ना, एवरी नाउ एंड देन एज ऑर्डर्ड बाई हिज हेड ऑफिस, और उनको जो उनके बड़े अधिकारियों के द्वारा जैसे ऑर्डर जो दिए जाते हैं उनका, उन ऑर्डर्स को इनको फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, कह रहा है कि फ्रॉम अ कोल माइनिंग एरिया टू अ रेलवे ब्रिज कंस्ट्रक्शन साइट, है ना, कोयले की खदान की एरिया से लेकर है ना रेलवे में जहां ब्रिज वगैरह बनाई जा रही है, जहां कंस्ट्रक्शन साइट चल रहा है, वहां तक जाना पड़ता है। फ्रॉम देयर आफ्टर अ फ्यू मंथ्स टू अ केमिकल प्लांट, फिर वहां से उनको एक केमिकल प्लांट में जाना पड़ता है जहां पर केमिकल से जो चीजें बनती हैं, है ना, या केमिकल जो तैयार की जाती है वहां पर, जो ये प्लांट है वो कारखाना है, विच वॉज कमिंग अप समवेयर। ठीक है, जो अब कुछ ही समय में वहां पर जो लगाया जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। ही वॉज अ बैचलर, ठीक है, वो क्या थे, एक मतलब कि शादीशुदा व्यक्ति नहीं थे, कुंवारे व्यक्ति थे, बैचलर। ठीक है, और कह रहा है कि ही नीड्स वर सिंपल, अच्छा उनकी जो जरूरतें थी, है ना, जरूरतें जो थी वो बहुत ही साधारण थी। एंड ही वॉज एबल टू एडजस्ट हिमसेल्फ टू ऑल काइंड ऑफ ऑड कंडीशन, और वो इतने मतलब कि किसी भी तरह के जो सिचुएशन है, किसी भी तरह के जीवन में जो बाधाएं आती हैं, उन सबके साथ अपने आप को क्या कर लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, वेदर इट वॉज एन इल इक्विपाइड सर्किट हाउस और मेकशिफ्ट कैनवास टेंट इन द मिडल ऑफ
स्टोन क्वेरी। अच्छा, चाहे वो एक जो सर्किट हाउस जो है होता है, वो एक विश्राम गृह होता है, ठीक है, तो वहां पर साधन उतने अच्छे नहीं है, फिर भी वहां पर वो रह लेते हैं, या फिर कहीं पत्थर के खदान वगैरह हो रहे हैं, पत्थरों को तोड़ा जा रहा हो या बड़े बड़े पर्वतों से उनको निकाला जा रहा हो, वहां पर भी वो टेंट वगैरह लगाकर रह लेते हैं। मतलब हर एक सिचुएशन में अपने आप को फिट रखते हैं, है ना। बट वन एसेट ही हैड वॉज हिज बुक। अब यहाँ पर कह रहा है कि उनके साथ लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो चीज है, उनका कुक है, रसोईया है, ठीक है, जिसका नाम है ईश्वरन, मिला, ठीक है। तो महेंद्र जो है वो एक तरह के ऑफिसर है बेटा, जिनका कई तरह का काम है, और उनके साथ एक रसोईया, खाना बनाने वाला व्यक्ति रहता है जिसका नाम है ईश्वरन, राइट। द कुक वॉज क्वाइट अटैच टू महेंद्र एंड फॉलोड हिज कंप्लेनिंगली वेयर एवर ही वॉज होस्टेड। अच्छा, वो इतना उनको अंदर से, वो जो रसोईया है, जुड़ा हुआ है ना, उनसे बहुत ज्यादा लगाव है महेंद्र से, ईश्वरन को, कि बिना वो कोई भी कंप्लेन नहीं करते हैं, कोई भी शिकायत नहीं करता है ईश्वरन। जहां उनकी पोस्टिंग होती है, पोस्टिंग का मतलब जहां उनका तबादला होता है, ट्रांसफर होता है, वहां पर वो चले जाते हैं महेंद्र जी के साथ में, ठीक है। ही कुक फॉर महेंद्र, उनके लिए भोजन बनाते हैं, वॉश हिज क्लॉथ्स, कपड़ों को धोते हैं, एंड चैटेड अवे विद हिज मास्टर एट नाइट, और रात में उनके साथ बैठकर बातें भी करते हैं। ही कुड वीव आउट एंडलेस स्टोरीज एंड एनेक्डोट्स ऑन वेराइड सब्जेक्ट्स। वो जब भी बातें करते हैं तो कई तरह की कहानियों को रच देते हैं बैठे बैठे, है ना, कई तरह की बातों पर वो कहानियां बना लेते हैं। यानी कि यहाँ पर जो कहानी कहने वाला है, जो बार बार कहानी जो बना सकते हैं, वो कौन है, ईश्वरन है, राइट। ईश्वरन ऑल्सो हैड एन अमेजिंग कैपेसिटी टू प्रोड्यूस वेजिटेबल्स एंड कुकिंग इंग्रेडिएंट्स, राइट। तो ये कहा जा रहा है कि ईश्वरन जो है वो बहुत ही, उनके पास एक आश्चर्यजनक, मतलब कि उनके पास क्षमता है कि वो सब्जियों को उगा लेते हैं, और जो खाने पीने वाली जो चीजें हैं, सामग्रियां हैं, भोजन को तैयार करने वाली जो सामग्रियां हैं, उनको भी, है ना, सीमिंगली आउट ऑफ नाउवेयर इन द मिडल ऑफ ए डिसोलेट लैंडस्केप विद नो शॉप्स विजिबल फॉर माइल्स अराउंड। मतलब ऐसी जगह पर भी वो अपनी जरूरत की चीजों को ला देते हैं या उगा लेते हैं, जहां पर उसकी कोई संभावना नहीं होती है, दूर दूर तक कोई दुकान नहीं होती है, ठीक है। तो इस तरह की उनके पास क्षमता है बच्चों, ठीक है, किसके पास, ईश्वरन के पास, ठीक है। ही वुड कह रहा है कि ही वुड मेरा क्लोजली कंज्यूम ऑफ द मोस्ट डेलिशियस डिशेज मेड विद फ्रेश वेजिटेबल्स विद इन एन आवर ऑफ अराइविंग एट द जिंक सीट शेल्टर एट द न्यू वर्क प्लेस, ठीक है। तो वो बहुत ही कम समय के अंदर बहुत ही स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन बना लेते हैं, और वो टीन के छत के नीचे, है ना, और वहां पर वो सारा काम बहुत ही आसानी से कर लेते हैं। मतलब उनको एक तो महेंद्र से उनको बहुत ज्यादा लगाव था, ठीक है, उनको बहुत ज्यादा खुशी भी होती थी उनके लिए काम करने के लिए, ठीक है, उनके सारे काम करते थे, रात में वो बातें भी किया करते थे, कई तरह की कहानियां किससे भी गढ़ सकते थे, ठीक है। अच्छा, जहां निर्जन स्थान है, अभी अभी हम लोगों ने यहाँ पर बातें की कि निर्जन स्थान है, वहां पर कोई भी पॉसिबिलिटीज नहीं है, फिर भी वहां पर मतलब कि वो खाने पीने की चीजों को की व्यवस्था अच्छे तरीके से कर लेते थे, ठीक है। तो उनको मतलब नहीं रहता था कि वो अच्छी बिल्डिंग में है कि टेंट के पास है या फिर टीन के छत के नीचे है, वो हर जगह अपनी व्यवस्था को बना लेते हैं। यानी कि दोनों व्यक्तियों के बारे में बात की जाए तो दोनों किसी भी तरह की कंडीशन में अपने आप को एडजस्ट करना जानते हैं, ठीक है। हालांकि महेंद्र के लिए ईश्वरन को काम करना अच्छा लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर है कि महेंद्र वुड बी अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड लीव फॉर वॉक आफ्टर ब्रेकफास्ट। महेंद्र सुबह सवेरे जल्दी जग जाते हैं, अपने काम को निकल जाते हैं ब्रेकफास्ट करके, कैरिंग सम प्रिपेयर्ड फूड विद हिम, और कुछ बनाया हुआ भोजन भी अपने साथ ले जाते हैं। हाँ भाई, अब काम पे जा रहे हैं तो कहाँ पर भूख लगेगी, कितना समय लग जाएगा उस काम में, तो अपने लिए भोजन भी साथ में लेकर चलते हैं, कहानी में आगे बढ़ते हैं हम। मीनवाइल ईश्वरन वुड टीडी अप द सेट, वॉश द क्लॉथ्स, ओके, एंड हैव अ लिजर्डली बाथ, पोरिंग सेवरल बकेट्स बकेट्स ऑफ वाटर ओवर हिज हेड, म्यूटरिंग अ प्रेयर ऑल द वाइल। अच्छा देखिए, जब महेंद्र काम पे निकल जाते हैं तो ये सारे घर का जो है साफ सफाई करते हैं, कपड़ों को धोते हैं, और फिर आराम से क्या करते हैं, है ना, खाली समय में आराम से एकदम बहुत आराम से बैठकर मजे से स्नान करते हैं, ठीक है।
ठीक है। और उसके बाद क्या करते हैं, और जब वो स्नान कर रहे होते हैं तो वो कुछ प्रार्थना जो है प्रार्थना भी करते रहते हैं, म्यूटरिंग करते रहते हैं, बदबदाते रहते हैं, फुसफुसाते रहते हैं। इट वुड बी लंच टाइम बाय देन, उसके बाद उनके नाश्ते का समय हो जाता है। आफ्टर ईटिंग ही वुड रीड फॉर अ वाइल बिफोर डजिंग ऑफ, और वो पढ़ते पढ़ते आफ्टर ईटिंग ही वुड रीड फॉर अ वाइल, और कुछ समय के लिए पढ़ते हैं और दिन के समय में थोड़ी सी झपकी लेते हैं दिन के समय में, है ना। द बुक्स वॉज यूजली सम पॉपुलर तमिल थ्रिलर रनिंग टू हंड्रेड ऑफ पेजेस, ठीक है। तो वो कुछ तमिल कहानियां पढ़ते रहते हैं जो पॉपुलर हैं, है ना, और कम से कम 100 पेजेस तक की कहानियां होती हैं उसमें। इट्स इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शंस एंड नरेटिव फ्लरिशेस वुड होल्ड ईश्वरन इन एथ्रॉल, राइट। तो वो जो कहानियां होती हैं ईश्वरन के दिलो दिमाग पर छा जाती हैं, है ना। तो जैसा नहीं होता है कि कोई कहानी कोई पढ़ रहा होता है तो उस कहानी के अंदर वो चला जाता है, मतलब कि दिलो दिमाग से वो कहाँ चला, शरीर तो उसका बाहर होता है लेकिन वो इमेजिनेशन करने लगता है कि हाँ ऐसा हो रहा होगा, मेरे साथ भी ऐसा हो रहा होगा, ठीक है। तो ये सारे जो उनके वर्णन है और जो वृतांत है ना, वर्णन और वृतांत है, उनके मन में क्या हो जाते हैं, छा जाते हैं, ठीक है। His own descriptions were greatly influenced by the Tamil authors that he read. अच्छा, जब भी वो कहानी को खुद से बताते थे तो उनके उसमें भी तमिल जो लेखक है ना उनके प्रभावों को देखा जा सकता है, ठीक है, कि ये उनके विचार जिस तरह से कहानी सुनाते हैं, पात्रों को बताते हैं, तो कहीं ना कहीं नजर आता है कि ये इनके जो विचार हैं, ये तरीका जो है, ये तमिल लेखकों से प्रभावित होते थे, है ना। जो ये क्या करते थे हमेशा, हम लोगों ने भी पढ़ा कि ये तमिल लेखकों की पुस्तकों को क्या करते थे, पढ़ा करते थे। When he was narrating even the smallest of incidents, he would try to walk in suspense, ठीक है, suspense and a surprise ending into the account. वो छोटी सी छोटी जब घटना बताते थे ना तो एकदम टोर मरोड़ कर, है ना, एकदम सस्पेंस के साथ, थ्रिल्स के साथ, इमोशंस के साथ वो कहानियों को क्या करते थे, बताते थे, है ना। आपने भी अपने बचपन में याद कीजिए कि दादी या नानी आपको कहानियां सुनाती थी अक्सर रात के समय में, है ना, तो कितना अच्छा वो समय लगता होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर सर। फॉर एग्जाम्पल, इंस्टीड ऑफ सेइंग दैट ही हैड कम अक्रॉस एन अपरूटेड ट्री ऑन द हाईवे, ही वुड से विद आईब्रोज सुटेबली आस्क्ड। अच्छा देखो यहां पर क्या है कि मान के चलिए, ठीक है ना, देख लीजिए एग्जाम्पल के लिए, कि अगर उनको एक बात बतानी है, जैसे कि मान के चलिए कि उन्होंने क्या देखा, हाईवे पर एक उखड़ा हुआ पेड़ देखा, है ना, गिरा हुआ पेड़ देखा हाईवे पर, तो वो कैसे कहते थे, अपनी जो आईब्रोज होती थी उनको एकदम खींच के, है ना, हैंड्स हेल्ड आउट इन अ ड्रामेटिक गेस्चर, एकदम नाटकीय ढंग से अपने हाव भाव को बनाते थे और क्या कहते थे, द रोड वॉज डिजर्टेड, रोड जो था, सड़क जो थी एकदम से एकदम वीरान थी, एंड आई वॉज एलोन, और मैं अकेला था। सडनली आई स्पॉटेड समथिंग दैट लुक लाइक एन इनॉर्मस गजी बीस्ट लाइंग स्प्रॉड अक्रॉस द रोड। वो कैसे बताते थे कि भैया मैंने सड़क पर देखा, क्या देखा, कि कोई बड़ा भारी झाड़ीदार जैसा पशु सड़क के आर पार लेटा हुआ है। भैया आप तो सीधे सीधे ये भी बोल सकते थे कि सड़क पर एक गिरा हुआ वृक्ष था, लेकिन ये महेंद्र कह क्या रहे हैं कि ईश्वरन जब भी छोटी सी भी कहानी बताते थे, कोई भी इंसिडेंट के बारे में, किसी भी घटना के बारे में बताते थे, तो उसको तो बढ़ा चढ़ा कर एकदम नाटकीय ढंग से बताते थे, जैसे कि वो उस समय मौजूद हो वहां पर, है ना। I was half inclined to turn and go back. और जैसे ही ये कहता है ईश्वरन, कहते हैं कि मैंने मन बनाया कि अब चलो लौट चलूं, but as I came closer, जैसे ही मैं नजदीक आया, I saw that it was a fallen tree. अब इतनी सारे सस्पेंस, इतने सारे मतलब कि उस कहानी के अंदर सरप्राइज डालने के बाद फिर क्या बोलते थे अचानक से, अरे भैया जब मैं नजदीक गया तो देखा कि अरे भैया वहां तो एक पेड़ गिरा हुआ है, विद इट्स ड्राई ब्रांचेज स्प्रेड आउट, उसकी सूखी टहनियां क्या हुई थी, फैली हुई थी। महेंद्र वुड स्ट्रेच हिमसेल्फ बैक इन हिज कैनवास चेयर एंड लिसन टू ईश्वरन्स टेल्स अनक्रिटिकली, ठीक है। तो वो महेंद्र को मजा आता था, है ना, उनकी कहानी को सुनने में, अपनी कुर्सी पर बैठे बैठे लेटे लेटे बिना कोई शिकायत करते हुए, वो बिना कोई शिकायत किए हुए उनकी कहानी को बड़े प्रेम से सुना करते थे, ठीक है। अब आगे की बातें हैं जो वो क्या है, वो कहते हैं कि कह रहे हैं कि जहां से मैं आता हूं, द प्लेस आई कम फ्रॉम इज फेमस फॉर टिम्बर। ये कहते हैं कि जहां से मैं बिलोंग करता हूं, जहां मेरा घर है, वो वहां जो वो जगह है ना वो फेमस है। किस चीज के लिए फेमस है भैया, तो टिम्बर के लिए, इमारती जो लकड़ियां होती है ना उसके लिए वो फेमस है, ठीक है। ईश्वरन वुड बिगिन,
अब वो कहानी शुरू करते हैं। देयर इज अ रिचली वुडेड फॉरेस्ट ऑल अराउंड, बहुत ही घना जंगल है चारों तरफ। द लॉग्स आर हॉल्ड ऑन द लॉरीज बाई एलिफेंट्स, जो लकड़ियों के जो काट काट कर गट्ठे बनाए हुए रहते हैं वो वहां के हाथियों के द्वारा लॉरीज ट्रक जो होते हैं ना उनपे लादे जाते हैं। दे आर ह्यूज वेल फेड बीस्ट्स, है ना, कहते हाथियों के बारे में बता रहे हैं कि वो बड़े विशाल हिस्ट पुस्ट हैं, अच्छे वेल फेड का मतलब हिस्ट पुस्ट है, ठीक है। व्हेन दे टर्न वाइल्ड इवन द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड महावत, अच्छा बेटा महावत क्या होता है, महावत जो है हाथी को जो कंट्रोल करता है ना, हाथी के ऊपर बैठकर हाथी को जो कंट्रोल करता होता है उसको महावत कहते हैं बेटा, ठीक है, उसको हिंदी में भी क्या बोलते हैं, महावत ही बोलते हैं बेटा, ठीक है। तो ये ईश्वरन कह रहे हैं कि अगर वो हाथी पागल हो जाते हैं ना तो जो बहुत अनुभवी महावत भी है ना वो भी उन लोगों को कंट्रोल नहीं कर पाता है। आफ्टर हिज प्रोलॉन्ग ईश्वरन वुड लॉन्च इन टू एलाबोरेट एनसीडॉट इन्वॉल्विंग एन एलिफेंट, चलिए अब ये क्या करता है कि अब वो हाथी से रिलेटेड ही अब कहानी आगे बढ़ा देते हैं, है ना, अब वो हाथियों के ऊपर कहानी सुनाने लगते हैं, ठीक है। तो क्या सुनाते हैं, देखो क्या सुनाते हैं, वन डे अ टस्कर, हाथी को बोलते हैं टस्कर जो बड़े हाथी होते हैं, वन डे अ टस्कर एस्केप्ड फ्रॉम द टिम्बर यार्ड, है ना, जहां लकड़ी के जगह पे जो काम करते थे हाथी वहां से एक हाथी क्या करता है, भाग जाता है, ठीक है। एंड बिगन टू रोम अबाउट, और वो इधर उधर भटकने लगता है, घूमने लगता है, स्टैम्पिंग ऑन बस झाड़ियों को कुचलने लगता है, टीयरिंग अप वाइल्ड क्रीपर्स जो उस जंगली लताएं रहती हैं वहां पर उन सबको फाड़ देता है, तोड़ देता है, एंड ब्रेकिंग ब्रांचेज एट व्हील, और जो भी जिस जो भी टहनी शाखाएं हैं उनको तोड़ता है। यू नो सर हाउ एन एलिफेंट बिहेव्स व्हेन इट गोज मैड, आपको पता है महाशय, है ना, एक हाथी जब पागल हो जाता है ना तो कैसे कैसे बर्ताव करता है, ठीक है। ईश्वरन वुड गेट सोक आउट अप इन द एक्साइटमेंट ऑफ हिज ओन स्टोरी दैट ही वुड गेट अप फ्रॉम द फ्लोर एंड जम्प अबाउट, भैया महेंद्र साहब कह रहे हैं कि ईश्वरन जब कहानी सुनाता है भाई साहब तो अपनी ही कहानी में वो इतना डूब जाता है भाई साहब, इतना डूब जाता है जैसे लगता है कि वो उसी पागल हाथी की तरह, उसी अनकंट्रोल्ड हाथी की तरह वो बिहेव करने लगते हैं, है ना, वो कभी उछलेंगे कभी कूदेंगे, है ना, उसी तरह से वो इमिटेट करने लगते हैं। द एलिफेंट रीच द आउटस्कर्ट्स ऑफ आवर टाउन, वो हमारे शहर के मतलब किसी क्षेत्र में पहुंचता है हाथी, ब्रेकिंग द फेंसेस, जो चारों तरफ से चार दीवारी होती है उसको फेंसेस बोलते हैं, तोड़ देते हैं लाइक मैच स्टिक, जैसे माचिस की तीलियां हो, है ना, ठीक है, चार दीवारी को तोड़ दिया, ठीक है, कैसा मैच स्टिक्स माचिस की तरह। ही वुड कंटिन्यू, अब इस पे भी नहीं रुकता है वह हाथी, और आगे बढ़ गया, इट केम इनटू द मेन रोड, मुख्य सड़क पर आ गया, एंड स्मैश्ड ऑल द स्टॉल्स सेलिंग फ्रूट्स, जहां भी फल बिक रहे थे ना, जैसे स्टॉल्स ठेला वाला लगाकर नहीं बिकते हैं तो उन सारे को बर्बाद कर देता है। मड पॉट्स, जो मिट्टी के बर्तन बने हुए उनको तोड़ देता है, क्लॉथ्स को फाड़ देता है, पीपल रन हेल्टर एंड स्केल्टर, लोग एकदम मतलब बेचैनी से इधर उधर भागते हैं इन पैनिक, मतलब डर के मारे। द एलिफेंट नाउ इंटर्ड स्कूल, अब हाथी जो है स्कूल के अंदर इंटर कर गया, ठीक है, स्कूल ग्राउंड में इंटर कर गया, वेयर चिल्ड्रेन वर प्लेइंग, वहां पर बच्चे खेल रहे थे, ब्रेकिंग थ्रू द ब्रिक वॉल, उस जो चार दीवारी थी जो ईंट की दीवार थी उसको तोड़कर वो अंदर प्रवेश कर जाता है। ऑल द बॉयज रैन इन टू द क्लासरूम, जितने भी बच्चे थे सब के सब अपने क्लासरूम में भाग जाते हैं, एंड शट द डोर्स टाइट, और दरवाजों को बड़ी मजबूती के साथ बंद कर देते हैं। द बीस्ट ग्रंटेड, चिंघाड़ता है वो हाथी चिंघाड़ा, एंड वॉन्डर्ड अबाउट, और इधर उधर घूमता है, पुलिंग आउट द फुटबॉल गोल पोस्ट, जो जैसे कि स्कूल है, स्कूल में जो प्ले ग्राउंड है वहां पर फुटबॉल का गोल पोस्ट है उसको उखाड़ देता है, टीयरिंग डाउन द वॉलीबॉल नेट, जो वॉलीबॉल होता है उसका नेट को फाड़ देता है, किकिंग एंड फ्लैटरिंग द ड्रम केप्ट फॉर वाटर, पानी के लिए जो बड़े बड़े ड्रम रखे हुए थे उसको क्या करता है कि वो और सब फेंक देता है, एंड अपरूटिंग द श्रब्स, और जो वहां पर जो पेड़ पौधे हैं झाड़ियां वगैरह हैं उसको वो क्या करता है कि उखाड़ देता है। मीनवाइल ऑल द टीचर्स हैड क्लाइम्ड अप टू द टेरेस ऑफ द स्कूल बिल्डिंग, और उसी समय पर जो वहां आसपास के जो टीचर्स होते हैं वो कहां चढ़ जाते हैं, छत के, स्कूल की छत पे चढ़ जाते हैं, ठीक है। फ्रॉम देयर दे हेल्पलेसली वॉच्ड द डिपार्टेशन ऑफ द एलिफेंट, और वहीं से वो जो हाथी है, हाथी के जो विध्वंस को ये लोग क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, एकदम निसहाय पड़े हुए हैं, क्या करें क्या ना करें उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, और हाथी जो है भैया अपनी तबाही यहां पर मचाए रखा है, ठीक है। There was not a soul below
ऑन द ग्राउंड, वहां पर कोई भी आदमी नहीं था उस ग्राउंड के अंदर। द स्ट्रीट्स वर एम्प्टी, वो जो सड़कें थी एकदम से खाली हो गई थी। एज इफ द इनहैबिटेंट्स ऑफ द एंटायर टाउन हैड सडनली डिसअपीयर्ड, ऐसा लग रहा था जैसे उस शहर के जितने भी लोग निवासी थे सब के सब गायब हो चुके थे। भैया हाथी पगला जाएगा तो गायब तो होना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो किसी भी जानवर को बेटा तंग नहीं करना चाहिए, एक चीज तो ध्यान में रखना, ठीक है। आई वॉज स्टडिंग इन द जूनियर क्लास, अभी स्वरण बताते हैं कि मैं छोटे से क्लास में पढ़ता था उस समय, मतलब बहुत उस समय छोटा था एट ए टाइम, एंड वॉज वॉचिंग द होल ड्रामा फ्रॉम द रूफ टॉप। ये कह रहे हैं कि मैं सारा जो नाटक हो रहा था ना हाथी के द्वारा और लोगों के द्वारा, मैं सब देख रहा था अपने छत से, ठीक है, छत से देख रहा था, मतलब अपने छत से नहीं उसी स्कूल के छत पे ये भी था। आई डोंट नो वॉट केम ओवर मिस्टर डर्ली, मुझे पता नहीं मेरे अंदर क्या हुआ अचानक से। आई ग्रैब्ड अ केन फ्रॉम द हैंड ऑफ वन ऑफ द टीचर्स, मैंने अब उन्हीं शिक्षकों के बीच में से एक छड़ी लिया उनके हाथों से, एंड रैन डाउन और नीचे गया द स्टेयर्स सीढ़ियों से, एंड इन टू द ओपन और खाली मैदान में पहुंच गया। द एलिफेंट ग्रंटेड एंड मिनेसिंगली स्वंग अ ब्रांच ऑफ अ ट्री विच इट हेल्ड इन इट्स ट्रंक, और जब गया तो हाथी ने देखकर चिंघाड़ा और उसको डराने के लिए, भयभीत करने के लिए उसने अपनी सूंड में जो टहनी या कोई बड़ी सी शाखा रखी थी उसको जोर से झटका देता है, ठीक है। इट स्टैम्प्ड इट्स फीट, अपने पैरों को पटकता है, किकिंग अप अ लॉट ऑफ मड एंड डस्ट, अब उसके पैर के पटकने से वहां धूल उड़ती है। इट लुक्ड फ्राइटनिंग बट आई मूव्ड स्लोली टुवर्ड्स इट स्टिक इन हैंड, वो मुझे डरा रहा था, है ना, मुझे डराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं उसके तरफ अपने हाथ में छड़ी लेकर बढ़ा। पीपल वर वॉचिंग द सीन हिप्नोटाइज्ड फ्रॉम नियर बाय हाउस टॉप्स, लोग जो थे एकदम से अरे भाई ये क्या हो रहा है, इस तरह से मंत्रमुग्ध होकर ये देख रहे थे अपने घरों से। द एलिफेंट लुक्ड एट मी रेड आईड, वो हाथी गुस्से से मेरे तरफ देखता है, रेडी टू रश टुवर्ड्स मी, और मेरे तरफ दौड़ने को तैयार है, ठीक है, मेरे तरफ दौड़ने को तैयार है। ये सारी बातें कौन कह रही है, ईश्वर। द एलिफेंट लुक्ड एट मी रेड आईड रेडी टू रश टुवर्ड्स मी, इट लिफ्टेड इट्स ट्रंक एंड ट्रम्प्ड लाउडली, उसने उस छड़ी को उस टहनी को उठाया, सॉरी अपने सूंड को उठाया और जोर से मतलब कि चिंघाड़ा। एट दैट मोमेंट आई मूव्ड फॉरवर्ड, और उसी समय मैं आगे बढ़ा, मस्टरिंग ऑल माई फोर्स, मैंने सारी शक्ति को इकट्ठा किया, वक्ड इट्स थर्ड टॉयनेल, और मैंने उसके पैर के तीसरे अंगूठे पर जोर से प्रहार किया, ठीक है, तेजी से। द बीस्ट लुक्ड स्टन्ड, और वो बड़े विशाल हाथी को वो आश्चर्य में आ गया, अरे ये क्या हो गया, फॉर अ मोमेंट, कुछ समय के लिए। दैट इट शिवर्ड फ्रॉम हेड टू फुट, और वो सर से लेकर पांव तक कांप गया, एंड कोलैप्स, और धड़ाम से गिर गया। ये सारी बातें कौन बता रहे हैं, ईश्वरन बता रहे हैं, ठीक है। एट दिस पॉइंट ईश्वरन वुड लीव द स्टोरी अनफिनिश्ड, और इतना कहकर अपने आधी अधूरी कहानी को छोड़ देते हैं, एंड गेट अप मम्बलिंग, और बदबुदाते हुए फुसफुसाते हुए, I will be back after lighting the gas and warming the dinner. Warming up the dinner. मैं जा रहा हूँ गैस को जलाने और खाना को गर्म करने के लिए। इतना कहकर ईश्वरन चले जाते हैं, ठीक है। कहानी को देखो रोक दिए हैं। महेंद्र, who had been listening with rapt attention, would be left hanging. अब महेंद्र भाई क्या कर रहे हैं कि एकदम ध्यान से बिना रुके उनकी कहानी को सुने जाना है पूरे मन से। अब तो वो बीच में ही फंस गए, है ना, कहानी का कुछ कंक्लूजन नहीं निकला। When he returned, ईश्वरन would not pick up the thread of the story right away. अब ईश्वरन जब लौटते हैं अपना काम करने के बाद तो कहानी वहां से स्टार्ट नहीं करते हैं जहां से वो छोड़ के रखे थे, ठीक है। महेंद्र would have to remind, महेंद्र ने याद दिलाया that the conclusion was pending. महेंद्र कहा कि भैया आपने कहानी आधी अधूरी छोड़ी है। तब यहाँ पर जो है ईश्वरन कहते हैं कि well, a veterinary doctor was summoned to revive the animal. चलो भाई, एक पशु चिकित्सक को बुलाया गया कि भैया इस जानवर को ठीक कीजिए। ईश्वर नोटस्रग कॉज वाली और कंधे को ऐसा उचकाते उन्होंने कहा। टू डेज लेटर इट वॉज लेड अवे बाई इट्स महावत टू द जंगल, और कहते हैं कि दो दिन के बाद क्या होता है, उसका महावत आता है और फिर उसको जंगल में लेकर चला जाता है, ठीक है। वेल, हाउ डिड यू मैनेज टू ट्वीट, ईश्वरन हाउ डिड यू ब्रिंग डाउन द बीस्ट, आखिर ये सब सारे काम आप कर कैसे लेते हैं, आपने कैसे उसको नीचे गिरा दिया, है ना।
तब ईश्वरन कहते हैं इट हैज समथिंग टू डू विद द जापानीज आर्ट। ईश्वरन कहते हैं कि भैया ये कोई साधारण सा काम नहीं है, जापानीज आर्ट है। आई थिंक सर कराटे है ना, कराटे या जू जित्सु है ना, एक तरह का लड़ाई करने का एक तरीका होता है, ठीक है। आई हैड रीड अबाउट इट समवेयर, मैंने इसे कहीं पढ़ा था। इट टेम्पोररली पैरालाइजेस द नर्वस सिस्टम, यू सी, आपको आप देखेंगे कि ये कुछ समय के लिए जो जीव है उसको उसके नर्वस सिस्टम को पैरालाइज कर देता है, उसको कुछ समझ में नहीं आता है, ठीक है, उसके पास कुछ करने की क्षमता नहीं रह जाती है, ऐसा ईश्वरन बता रहे हैं। नॉट अ डे पास्ट विदाउट ईश्वरन रिकाउंटिंग सम स्टोरी पैक्ड विद एडवेंचर हॉरर सस्पेंस, ऐसा कोई भी दिन ऐसा नहीं बीता है कि जहां पर ईश्वरन की कोई कहानी ना हो और उस कहानी के अंदर एडवेंचर ना हो, हॉरर ना हो, सस्पेंस ना हो, ठीक है। वेदर द स्टोरी वॉज क्रेडिबल और नॉट, और वो कहानी विश्वसनीय है या नहीं उसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन कहानी में बड़ा मजा आता है महेंद्र साहब को। इंजॉयड लिसनिंग टू इट्स बिकॉज ऑन द इमिटेबल वे इन विच इट वॉज टोल्ड, और देखिए वो कहानी सही में है या नहीं उसे मतलब नहीं है महेंद्र साहब को, ठीक है, लेकिन कहानी जो कह रहा है यानी कि ईश्वर जिस तरह से वो कहानी कहते हैं उस कहानी में डूब जाते हैं, हर एक कैरेक्टर को वो खुद से प्ले करते हैं तो मजा आता है ना। ईश्वरन सीम्ड टू मोर देन मेक अप फॉर द एब्सेंस ऑफ अ टीवी इन महेंद्रास लिविंग क्वार्टर। अब भैया महेंद्र को कभी टेलीविजन का कमी महसूस नहीं हुआ, काहे नहीं महसूस हुआ बाबू, काहे कि उनके पास एक चलता फिरता टीवी है जिनका नाम है ईश्वरन, है ना। वन मॉर्निंग व्हेन महेंद्र वाज हैविंग ब्रेकफास्ट, ईश्वरन आस्क, एक सुबह की बात है कि महेंद्र साहब जो थे अपना ब्रेकफास्ट कर रहे थे, ईश्वरन ने पूछा कैन आई मेक समथिंग स्पेशल फॉर डिनर टुनाइट, क्या आज मैं कुछ विशेष पकाऊं आज की रात, टुनाइट, टुनाइट का मतलब आज की रात है, सर महाशय आज की रात कुछ बढ़िया बनाओ क्या। आफ्टर ऑल टुडे इज एन ऑस्पिशियस डे, आज बहुत ही एक मतलब पवित्र दिन है या कोई बहुत बड़ा अच्छा दिन होगा। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन वी प्रिपेयर वेरियस डेलिकेसीज टू फीड द स्पिरिट्स ऑफ आवर एंसेस्टर्स टुडे, तो कह रहे कि आज की रात हम लोगों को बहुत ही अच्छे अच्छे भोजन पकाने होंगे ताकि हम अपने पूर्वजों की आत्मा को भोजन करा सके, है ना। अच्छा, दैट नाइट महेंद्रा एंजॉयड द मोस्ट डिलीशियस डिनर एंड कॉम्प्लीमेंटेड ईश्वरन ऑन हिज कुलिनरी स्किल्स, ठीक है। महेंद्र साहब को उस दिन का भोजन बहुत अच्छा लगा, उन्होंने उसको कॉम्प्लीमेंट दिया, बधाई दिया कि बहुत अच्छा है, और किस चीज पे बधाई दिया भैया, कुलिनरी स्किल्स पर, यानी कि जो इनका पाक कौशल है, भोजन बनाने का जो तरीका है उसके लिए उन्होंने उनको बहुत बहुत बधाई दी। ही सीम्ड वेरी प्लीज्ड बट अनएक्सपेक्टेडली लॉन्च्ड इनटू अ मोस्ट गैरिश अकाउंट इन्वॉल्विंग द सुपरनेचुरल, ठीक है। अब तो रोज कहानी कह रहे करते थे लेकिन उस दिन ये क्या कर दिए कि ये जो ईश्वरन साहब थे आज सुपर नेचुरल है ना, भूत प्रेत की कहानी लगता है ये सुनाना शुरू कर दिए, ठीक है। किस चीज के बारे में, सुपर नेचुरल कहानियां, ठीक है, भूत प्रेत की जो आत्मा की कहानी होती है ना उन चीजों के बारे में, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं भैया, यू नो सर दिस इंटायर फैक्ट्री एरिया, कहता है ईश्वरन, कहते हैं कि आपको पता है जो फैक्ट्री का एरिया है ना, We were occupying was once a burial ground. ये दफनाने वाली जगह थी। He started, वो शुरू हो गया अब लोग अपनी भूत प्रेत की कहानी को लेकर। Mahendra was jogged out of the pleasant reverie he had drifted into after the satisfying meal. अब उनको इस बात की अंदाजा नहीं था भैया कि इतना बढ़िया भोजन खिलाने के बाद इस तरह की बातें करेंगे। I knew on the first day, sir. वो कह रहे हैं कि मुझे पहले ही दिन से पता था, इट सेल्फ वेन आई सॉ अ ह्यूमन स्कल, जब मैंने एक मानव की खोपड़ी को देखा लाइंग ऑन द पैथ रास्ते पर, इवन नाउ आई कम अक्रॉस अ नंबर ऑफ स्कल्स एंड बोन्स, ईश्वरन कंटिन्यूड, लो भाई चालू हो गया। बोला कि भैया उस दिन से तो मैंने कई बार देखा सर जी खोपड़ी भूत प्रेत की, है ना। ईश्वरन ये बात कहते हैं, देख रहे हैं यहाँ पर ये फैक्ट्री है, ये ईश्वरन है, ये जो है खोपड़ी है ना। He went on to narrate to how he sometimes saw ghosts at night. अब वो बताना शुरू कर देते हैं कि कैसे वो कभी कभी रातों को क्या देखते हैं, भूत देखते हैं, है ना। I am not easily frightened by these things, sir. ईश्वरन कहते हैं कि भैया मेरे को ये सारी चीजें आसानी से डरा नहीं सकती हैं। I am a brave fellow. मैं बहुत ही जो निर्भीक इंसान हूँ, निडर इंसान हूँ। But one horrible ghost of a woman which appears of
And on at midnight during the full moon, it was an ugly creature with matted hair and a shriveled face like a skeleton holding a fetus in its arm. अब कहते थे लेकिन एक रात में डर गया, एक भूत थी, महिला भूत थी, प्रेतनी थी, प्रेत नहीं था बबुआ, ठीक है। कह रहे कि ईश्वरन बता रहे हैं उस दिन पूर्णिमा की रात थी, है ना, और एक बहुत ही कुरूप जो है स्त्री है कह रहे हैं, और मैटेड हेयर, उसके उलझे हुए बाल है, ठीक है ठीक है, और उसके चेहरे पर झुर्रियां हैं, और वो एक कंकाल की तरह दिखाई दे रही थी, होल्डिंग फीटस, उसके हाथ में एक भ्रूण था, है ना, फीटस था। महेंद्र सीवर्ड एट द डिस्क्रिप्शन एंड इंटरप्टेड रैदर शार्पली। महेंद्र ने डर से कांप गए, और इसकी डिस्क्रिप्शन पे जिस तरह से वो समझा रहा था ईश्वरन, और उन्होंने बीच में ही उनको टोका, इंटरप्ट किया, है ना, और बड़ी तेजी से डांटा, यू आर क्रेजी, पागल हो क्या ईश्वरन, ईश्वरन तुम पागल हो क्या, देयर आर नो सच थिंग्स एज घोस्ट और स्पिरिट्स, भैया भूत प्रेत आत्माएं कुछ नहीं होती हैं, इट इज ऑल अ फिगमेंट ऑफ योर इमेजिनेशन, ये सब कल्पना की बातें हैं, है ना, फिट योर डाइजेस्टिव सिस्टम एग्जामिन एंड मे बी योर हेड एज वेल, भैया तुम ऐसा करो कि अपना जाके ना पेट जांच कराओ, पेट तुम्हारा पेट तो नहीं खराब है, और साथ साथ में क्या अपने दिमाग का भी जांच करा लो, ठीक है, यू आर टॉकिंग नॉनसेंस, बेवकूफी जैसी बातें मत करो, है ना। यानी कि यहाँ पर महेंद्र साहब का भी पसीना छूट गया, डरा गए हैं। आगे देखो बाबू, ही लेफ्ट द रूम एंड रिटायर्ड फॉर द नाइट। चलो वो उस कमरे को छोड़ के निकल जाते हैं सोने के लिए, एक्सपेक्टिंग ईश्वरन टू सल्क फॉर ए कपल ऑफ डेज, और उनके मन में ये चला था कि जैसा डाटा होना तो कुछ दिनों तक तो वो चुप ही रहेगा, नाराज ही रहेगा। बट द नेक्स्ट मॉर्निंग ही वॉज सरप्राइज टू फाइंड द कुक एज चीयरफुल एंड टॉकेटिव एज एवर। लेकिन जैसे ही महेंद्र साहब अगली सुबह जगते हैं, ईश्वरन को फिर उसी तरह से एकदम खुश है आदमी, है ना, उसी तरह से बातें कर रहा है जैसे वो पहले बातें करते थे, है ना, उसी तरह से बातें बना रहे हैं। फ्रॉम दैट डे ऑन महेंद्र फॉर ऑल हिज ब्रेव टॉक वेंट टू बेड विद अ सर्टेन अनईज। एवरी नाइट ही पियर्ड इन टू द डार्कनेस राइट आउटसाइड थ्रू द विंडो नेक्स्ट टू हिज बेड। लेकिन उस रात के बाद महेंद्र साहब अपने कमरे की जो खिड़की से ना हमेशा बाहर देखा करते थे, झांका करते थे, ट्राइंग टू मेक श्योर दैट देयर वॉज नो मूवमेंट ऑफ डार्क शेप्स इन द विसिनिटी। अब वो देखा करते थे कि कहीं भूत प्रेत तो नहीं ना घूम रहा है, भाई मन में तो वहम बैठिए गया था महेंद्र साहब के भी। बट ही कुड ओनली सी अ सी ऑफ डार्कनेस विद द ट्विंकलिंग लाइट्स ऑफ द फैक्ट्री माइल्स अवे। लेकिन उनको दूर दूर तक, है ना, दूर दूर तक क्या दिखाई देता था, फैक्ट्री के चारों तरफ जो खंभे पर लाइट जला करते थे वही दिखाई देता था, और कुछ खास दिखाई नहीं देता है, ठीक है। आगे देखते हैं, ही हैड ऑलवेज लाइक टू एडमायर द मिल्क व्हाइट लैंडस्केप ऑन फुल मून नाइट्स। अच्छा, महेंद्र साहब को क्या पसंद है, पूर्णिमा चांदनी रात हो और उस चांदनी रोशनी में चारों तरफ की जो दृश्य है ना बड़ा खूबसूरत लगता है, मुझे भी लगता है आपको भी अच्छा लगता होगा। बट आफ्टर हियरिंग ईश्वरन स्टोरी, लेकिन ईश्वरन की स्टोरी सुनने के बाद ऑफ द फीमेल घोस्ट, ही अवॉइड लुकिंग आउट ऑफ हिज विंडो ऑल टूगेदर वेन द मून वॉज फुल। लेकिन ईश्वरन जी ने ऐसी कहानी उनको सुना दी थी कि अब उनकी अंदर से हिम्मत नहीं करती थी कि वो अपनी खिड़की से बाहर झांके, है ना, देखे भी। वन नाइट महेंद्र वॉज वोकन अप फ्रॉम हिज स्लीप बाय अ लो मून क्लोज टू हिज विंडो। एक रात क्या होता है कि वो क्या करते हैं कि अपनी उनकी नींद टूट जाती है ना, अपनी उनकी नींद टूट जाती है। कैसे नींद टूट जाती है बच्चे, अपनी खिड़की के बगल से उनको ना किसी के कराहने की आवाज आ रही थी, है ना, मोनिंग, है ना, कराहने की आवाज आ रही थी, ठीक है। अब क्या कह रहा है, एट फर्स्ट ही पुट इट डाउन टू अ कैट प्रॉलिंग अराउंड फॉर माइस। अब उनको लगा, पहली बार ऐसा लगा कि कोई बिल्ली होगी जो चूहे की पीछा कर रही होगी, बट द साउंड वॉज टू गुटरल फॉर अ कैट। लेकिन इस तरफ का अब वो आवाज में क्या होती जा रही थी, गहराई आती जा रही थी, क्या आती जा रही थी बच्चे, गहराई आती जा रही थी, ठीक है। मैंने अब उनको लग रहा था कि आवाज जानवर की तो नहीं हो सकती है, बट द साउंड वॉज टू गुटरल फॉर अ कैट। ही रेसिस्टेड द क्यूरियोसिटी टू लुक आउट लीस्ट ही शुड बी होल्ड अ साई विच वुड स्टॉप हिज।
अब वो चाह तो रहे थे कि खिड़की से बाहर देखे, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी, ऐसा लग रहा था कि उनकी दिल की धड़कन क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। बट द वेलिंग बिकम लाउडर एंड लेस फेलाइट। अब जो लेकिन जो कराहने की आवाज थी वो क्या होती जा रही थी, वो ज्यादा तेज होती जा रही थी, वो क्या होती जा रही थी, ज्यादा तेज होती जा रही थी, है ना। इनका डर का जो अब है ना वो पैरामीटर बढ़ता जा रहा था। ही कुड नॉट रेसिस्ट द टेम्पटेशंस एनी मोर, लॉरिंग हिमसेल्फ टू द लेवल ऑफ द विंडो सिल, ही लुक्ड आउट एट द व्हाइट सीट ऑफ मूनलाइट आउटसाइड। देयर नॉट टू फार अवे वॉज अ डार्क क्लाउडी फॉर्म क्लचिंग अ बंडल। अब उन्होंने दूर देखा कि कोई अंधेरे में है, मैंने ऐसा लगा उनको, है ना, और किसी चीज को वो पकड़े हुए है ना, क्लचिंग अ बंडल, किसी चीज को क्या है कि है ना गठरी टाइप का है, उठाए खड़ा है या पकड़ा हुआ है, ठीक है। महेंद्र ब्रोक इनटू अ कोल्ड स्वेट, उन्हें पसीने पसीने हो गए भैया, एंड फेल बैक ऑन टू द पिलो, और अपने तकिए पर धड़ाम से गिर गए, पैंटिंग हांफने लगे। एज ही ग्रेजुअली रिकवर्ड फ्रॉम द हास्टली एक्सपीरियंस, जो भूतिया उनका जो अनुभव था ना, उससे जैसे वो धीरे धीरे रिकवर्ड होते हैं, बिगिन टू रीजन विद हिमसेल्फ, वो अपने आप को समझाने लगते हैं, एंड फाइनली कंक्लूडेड दैट इट मस्ट हैव बीन सम सॉर्ट ऑफ ऑटो सजेशंस, सम ट्रिक दैट हिज सबकॉन्शियस हैड प्लेड ऑन हिम। अब उनको ऐसा लगता है, अपने आप को समझा रहे कि नहीं देखो ये ओरिजिनल का कोई चीज नहीं है भाई, ये मेरे ही दिमाग में किसी प्रकार की कोई कल्पना है जो चल रही होगी, है ना, सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन में, और मैं डर गया हूं, ठीक है। बाय The time he had got up in the morning, वो सुबह जगते हैं, he had a bath, स्नान करते हैं, and come out to have his breakfast, नाश्ता करने के लिए, सुबह का नाश्ता करने के लिए आते हैं। The horror of the previous night had faded from his memory, अब जो पिछली रात का उनका जो डर था है ना, उनके मन से निकल चुका था, ठीक है। ईश्वरन greeted him at the door with his lunch packet and his bag, ईश्वरन ने जाते समय उनको उनका लंच पैकेट वगैरह दिया। जस्ट एज महेंद्र वॉज स्टीपिंग आउट, ईश्वरन ग्रिंड एंड सेड, जैसे ही जो महेंद्र है बाहर कदम रख रहे थे, तो उन्हें वो ईश्वरन जो है उनसे कहते हैं, मुस्कुराकर बोलते हैं, उनसे क्या मुस्कुराकर बोलते हैं, देखिए भाई कह रहे सर, रिमेम्बर द अदर डे व्हेन आई वाज टेलिंग यू अबाउट द फीमेल गोस्ट विद द फिटर्स इन इट्स आर्म, यू वर सो एंग्री विद मी फॉर इमेजिनेटिंग थिंग्स, वेल यू सॉ हर योर सेल्फ लास्ट नाइट, I came running hearing the sound of moaning that was coming from your room, ठीक है। तो ये वो कह रहे थे कि भैया जो भूत वाली कहानी सुनकर आप डर गए थे, या आपने को जो महसूस हुआ था रात में, है ना, तो मैं आया था आपको देखने के लिए, मैं आया था, ठीक है। तो इस पे तो नाराज हो गए थे, लेकिन ये कह रहे थे कि मैं आया था आपके पास रात में, ठीक है ना, कह रहे थे कि आपने भी तो उनको रात में देख लिया उस भूत को। अ चिल वेंट डाउन महेंद्र स्पाइन, ठीक है। और ये जब बात सुनते हैं महेंद्र, तो उनको मतलब कि कपकपी सी हो गई, ठीक है, डर से। ही डिड नॉट वेट फॉर ईश्वरन टू कंप्लीट हिज सेंटेंस, और वो ये नहीं अब पूरी की पूरी बात उसकी बकवास को सुनना पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। ही हरिड अवे टू हिज ऑफिस, और तेजी से अपने ऑफिस की तरफ क्या कर जाते हैं, निकलते हैं, एंड हैंडेड इन हिज पेपर्स, रिसॉल्विंग टू लीव द हॉन्टेड प्लेस द वेरी नेक्स्ट डे। और क्या होता है कि अब फिर अगले दिन वो क्या करते हैं कि अब जैसे कि वो उसके बारे में क्या है क्या नहीं है, सच्चाई कितनी है कितनी सच्चाई नहीं है, इसके बारे में पता करने के लिए अगले दिन पर वो क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये आर के लक्ष्मण साहब के द्वारा लिखी गई है, आप याद रखेंगे, राइटर जो है उनका नाम याद रखना जरूरी है। और ये पूरी की पूरी कहानी जो है एक वीडियो में कंप्लीट हो गई बच्चे, इसको एक बार दो बार जरूर देख ले, क्योंकि देखिए जो क्वेश्चंस वगैरह आएंगे है ना, जो क्वेश्चंस हैं जो आएंगे इसी कहानी के अंदर से आते हैं। और एक चीज मैं बताऊं आपको, देखिए बेटा देखो, जो भी क्वेश्चंस हैं आपको एक चीज तो तय करना पड़ेगा कि आपको जो अपनी इंग्लिश है ना बेटा, इसको बेटा इंप्रूव करनी पड़ेगी। आप कितना रटोगे, आप कितना मतलब कि गाइड से पढ़ोगे, आप कितना आप हेल्प बुक से पढ़ोगे, आपको देखो बेटा वर्ड तो आपको वर्ड के बारे में समझना पड़ेगा, वर्ड्स को याद तो करने पड़ेंगे। और आप सोचोगे कि एक दिन बैठकर 10 वर्ड याद कर ले, 20 वर्ड याद कर ले, 100 वर्ड याद कर ले, ऐसा नहीं होगा। अगर आपको अपनी इंग्लिश इंप्रूव करनी है, एक छोटा सा सजेशन मैं जरूर दूंगा आप लोगों को, मैं भी ऐसा करता था पहले, है ना, कि जो जैसे कि 3 क्लासेस की किताबें हो गई, 4 क्लास की किताब हो गई, या छोटी मोटी कहानियों की किताबें हो जाती हैं, उनको आप जरूर पढ़ा करें, आपका इंटरेस्ट भी इंग्लिश के प्रति जगा रहेगा, आपको धीरे धीरे वर्ड पावर भी आपके बेटा इंप्रूव हो जाएंगे, है ना।
तो इस तरीके से आप अपनी इंग्लिश को सुधार सकते हैं, आप अपनी इंग्लिश को बना सकते हैं। अब आप चाहोगे, अब देख लो ये सारे क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, ये जो आपको क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं ना, ये सारे क्वेश्चन आपको क्या लगता है कि रट कर लिख लेंगे एग्जामिनेशन में? ऐसा नहीं होगा बेटा, आप अभी 9th क्लास में हैं, 10th क्लास में आपके बोर्ड हो जाएंगे, और भी एग्जामिनेशन टफ है आगे, आप सीजीएल का एसएससी का तैयारी करेंगे बेटा, तो इंग्लिश तो हर जगह है, बैंकिंग में इंग्लिश तो हर जगह है, तो आप कितने जगहों पर रट कर जाएंगे? तो आप मेरी बात माने, आपको और भी जगह बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, आपको बहुत आपके भी जो टीचर्स हैं इंग्लिश के बेटा, आपको जो सजेशंस देते हैं आप जरूर ईमानदारी से उनको फॉलो कीजिए, है ना। मैं चाहता हूं कि आपकी भी इंग्लिश इंप्रूव हो जाए, आप जो क्वेश्चंस हैं आपको रटना नहीं पड़े बेटा, है ना, रटना नहीं पड़े, आपके अंदर इतनी एफिशियंसी आ जानी चाहिए, है ना, आप इतने कैपेबल हो जाए कि आप जो एक बार कहानी पढ़ लो तो उसके क्वेश्चंस को आप खुद से आप लिख सको, है ना। आप देखो ना, आप हिंदी की किताब पढ़ते हो, हिंदी की कहानी पढ़ते हो, क्या आपको उस कहानी को रटना पड़ता है, उसकी क्वेश्चन आंसर को रटना पड़ता है? ऐसा नहीं है बेटा, ठीक है। मिलते हैं फिर इसी तरह से एक अगली वीडियो में, तब तक रिवाइज करते रहें, पढ़ते रहें बेटा।